बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। मैं भी ठीक हूँ। तो आज आपसे शेयर करूँगी जी मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी। दो चीज़ों से जल्दी से तैयार करेंगे हम मैंगो आइसक्रीम। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं 3 आम, बड़े साइज़ के आम ले लिए हैं और इनकी मैंने कटिंग कर ली है रफली सी और इनको मैंने ब्लेंड कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे है मेरे पास चीनी, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आम बहुत मीठे थे इसलिए मैंने चीनी कम ऐड की है और अब मैंने चीनी ऐड की है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी जी क्रीम, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं और व्हिपिंग क्रीम भी ले सकते हैं। मैं दूसरी क्रीम ले रही हूँ और इसको मैंने अब ब्लेंड कर लिया है, ठीक है। और अब हम इसको डाल देंगे जी किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में और हाफ ऐड करेंगे अभी। फिर हम लगाएंगे ऊपर मैंगो के क्यूब्स और फिर बाद में हम जो है वो हाफ ऊपर डाल देंगे और फिर इसके ऊपर हम जो है वो अच्छे से सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद फिर हम ऊपर लगा देंगे मैंगो के क्यूब्स जो मैंने कटिंग करके रखे हुए थे वो डाल देंगे। और अगर आप चाहें तो पिस्ता और बादाम वगैरह भी ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो है इस दफ़ा जो मैंगो आइसक्रीम बनाई है वो सिंपल सी बनाई है, जस्ट मैंगो ही ऊपर डाले हैं। और अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में और 6 से 7 घंटे के बाद इसको मैंने निकाल लिया है फ्रीज़र से। और अब मैंने इसको जो है निकाल लिया है। अब इसकी दूसरी साइड से आपको दिखाती हूँ, इसकी कटिंग करके भी आपको दिखाती हूँ। बहुत मज़े की हमारी जो है मैंगो आइसक्रीम बन चुकी है, तो आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और एक बात ये कहना थी कि आप मैंगो आइसक्रीम या कोई भी आइसक्रीम बनाएं घर में तो उसको 6 से 7 घंटे के बाद आप जब फ्रीज़र से निकालें तो उसको यूज़ कर लिया करें, ज़्यादा टाइम के लिए आप इसको ना रखा करें, फिर वो टेस्ट इसमें नहीं रहता है। तो आप इसको 6 से 7 घंटे के बाद फ्रीज़र से निकाल के यूज़ कर लिया करें। और उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।